बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और भविष्य का कह सकते हैं और आज का फ्यूचर जिस पर टिका हुआ है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है उसको बारे में डीपली बताऊंगा, उसका जो बेसिक है वो मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हर प्रकार के कार्य सरल व गोपनीय करने में सहायता करता है, इसलिए हम अपने सिस्टम को व्यक्तिगत व सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि कोई अवैध उपयोगकर्ता इस गलत इस्तेमाल न कर सके और कोई वायरस भी सिस्टम को क्षति न पहुंचा सके। आज देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग हम लोग अपनी निजी चीज़ों को गोपनीयता से रखने के लिए प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ें को फास्ट काम करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भी सिक्योरिटी या टूट जाती है और डाटा लीक हो जाता है या चोरी हो जाता है तो कंप्यूटर में रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब उसके बिना हम कोई आज के भविष्य में कार्य भी नहीं कर सकते, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने डाटा को सुरक्षित रखना। अब डाटा को सुरक्षित कैसे, क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसको साइबर सिक्योरिटी भी हम कह सकते हैं या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी हम जानते हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे खासकर कंप्यूटरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम या डेटा जिससे स्टोर या एक्सेस करते हैं की सुरक्षा होती है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चार तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कह रहा है कि जो अपना डाटा है उसको हम सुरक्षित अगर करना चाहते हैं तो हम चार तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल यह एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कंप्यूटर में डेटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है। आमतौर पर एक उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर में लॉगिन करता है जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल तय करता है कि उस उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता आईडी के आधार पर कौन सा डेटा पहुँच में जाना चाहिए और कौन सा नहीं। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग कोई वेबसाइट में लॉगिन करते हैं या कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करता है जो पासवर्ड से लॉक किया जाता है कि आपको कौन सा कंप्यूटर में डाटा यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। अब जैसे अगर आप मान लीजिए कि नॉर्मल यूजर हैं तो नॉर्मल डाटा आप उसका लेंगे, अगर आप एडमिन हैं तो आप उसके पूरे कंट्रोल को कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखिए जैसे विंडोज़ में ही है, नॉर्मल आप लॉगिन करते हैं तो आप उसकी कुछ लिमिटेड चीज़ें यूज़ कर पाते हैं, लेकिन अगर आप एडमिन के तरीके से लॉगिन करते हैं तो सब कुछ उसमें संभव है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि आप लॉगिन के द्वारा यह कंट्रोल तय करना होता है कि आप कितना सिस्टम को यूज कर लेंगे। दूसरा है डेटा एक्सेस कंट्रोल, डेटा एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर देखिए वही चीज़ फिर बताया गया है, कौन सा डेटा कौन नियंत्रित कर सकता है, यानी कि यदि आप यूजर हैं तो क्या कंट्रोल करेंगे, एडमिन हैं तो क्या कंट्रोल करेंगे, इस बात निगरानी इस कंट्रोल के तहत की जाती है। सिस्टम किसी भी व्यक्ति विशेष फाइलों एवं अन्य किसी भी ऑब्जेक्टिव की सुरक्षा स्तरों पर आधारित होकर ही एक्सेस नियमों को बनाता है। इसमें यह डिफाइन किया जाता है कि अगर आप जैसे बैंक में समझ लीजिए, बैंक में जो कर्मचारी होते हैं उनको एक लिमिटेड पावर दिया जाता है और उसी में अगर एडमिन है जो मैनेजर है उनके पावर्स अलग होते हैं। उसके हाई लेवल पर चले जाइए जो डाटाबेस जहां पर वो स्टोर होता है उनके कंट्रोल्स अलग होते हैं। तो इस प्रकार के सबके अपने अपने कंट्रोल्स के डाटा को नियंत्रण करने के लिए अपनी अपनी उनके मतलब कंट्रोल दिए गए होते हैं। अगला है सिस्टम तथा सिक्योरिटी प्रशासन, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया का निष्पादन होता है जिससे कोई भी सिस्टम या तो सुरक्षित बनाया जाता है या फिर उसकी सुरक्षा को तोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया का निष्पादन होता है, यह कह रहा है सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफलाइन सिस्टम है, अगर मान लीजिए कि आपका सिस्टम है उसको रूम में है या ऑफलाइन रखा गया है या कंप्यूटर में है तो उसको ऐसे डिजाइन या उसको बनाया जाता है कि कोई भी उसको आसानी से उसमें एंट्री ना कर सके, उसमें तोड़ ना सके, उसका डाटा निकाल ना सके, ठीक ना।
या जिस लिख रहा है जिसमें कोई भी सिस्टम या तो सुरक्षित बनाया जाता है या फिर उसकी सुरक्षा को तोड़ा जाता है, मतलब कोई भी इसके टाइप का बनाया जाता है कि उसको कोई आसानी से उस रूम में एंट्री कर कर उसके डाटा को चुरा ना सके। सिस्टम डिज़ाइन, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बुनियादी सुरक्षा की विशेषताओं से लाभ लेती है। अगला चौथा स्टेज है सिस्टम डिज़ाइन, या तो सिस्टम ऐसे डिजाइन कर दिया जाए जिससे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा का फ़ायदा मिले उसको। अक्सर देखे होंगे आपने फिल्मों में या कहीं भी, तो जो लॉकर रूम होता है उस जहाँ सर्वर लगे होते हैं उस रूम में बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, आँख से, फिंगर से, वॉइस से सिक्योरिटी लॉक की जाती है ताकि वहाँ का डाटा कोई न चुरा सके, उस रूम में कोई इंट्री न कर सके। और सॉफ्टवेयर से कैसे होता है, वो कंप्यूटर में अगर पहुंच भी गया तो जब तक वो अपनी आँख से, वॉइस से या पासवर्ड न उसमें डाले या पेन ड्राइव न डाले तब तक वो ओपन ही नहीं होगा। तो ये होती है सिस्टम डिज़ाइन की सिक्योरिटी। अगला है कंप्यूटर सुरक्षा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंपोनेंट्स क्या हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के, सुरक्षा घटक क्या हैं। कंप्यूटर सुरक्षा कई प्रकार के क्षेत्रों में संबंधित होती हैं। कंप्यूटर सुरक्षा सिस्टम के बुनियादी घटक इस प्रकार हैं। पहला है गोपनीयता, देखिए हम यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर पर है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी भी डेटा के अन्य अवैध व्यक्ति द्वारा एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। मतलब इसके घटक में पहला लक्षण ये होना चाहिए कि उसका डाटा इतना सिक्योर हो कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ ना सके या ले ना सके। दूसरा है नॉन रेपुडिएशन, मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से न इनकार कर दे, इस प्रकार की सुनिश्चितता को गैर प्रत्याय का नॉन रेपुडिएशन कहते हैं। इसमें कह रहा है कि देखिए ध्यान से, मैसेज को भेजने वाला, यदि आप मैसेज मान लीजिए कि आप भेजते हैं और पता चला कि आप उसकी ओरिजिनलिटी जो आप सोर्स हैं, कल को आप ये ना इनकार कर दें कह रही ये मैसेज तो मैंने भेजा ही नहीं। अब जैसे एग्जांपल में ये मान लीजिए कि आपके यहाँ से कोई ईमेल आया, ठीक, या कोई भी चीज़ ऐसी डाटा आ गया और उसका ओरिजिनल नहीं शो कर रहा है कि ये कहाँ से आया है, तो इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए ये प्रयोग होना चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर या आपका सिस्टम ऐसा हो कि इस प्रकार को सुनिश्चितता करे कि कोई नॉन रेपुडिएशन कंडीशन न क्रिएट हो, कोई व्यक्ति ऐसा न उसमें डाटा हो जिसका सोर्स ही न पता हो कि कौन व्यक्ति भेजा है, कहाँ से आया है, बस ऐसे ही है, फर्जी है कि क्या है, ये सब कंडीशन उसमें होनी चाहिए उस सिस्टम में, तब तो मान कर चलिए कि उस सिक्योरिटी प्रूफ माना जाएगा। ऑथेंटिकेशन, यह कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के वैध अवैध होने की सुनिश्चित करता है। ये ऑथेंटिकेशन जो व्यवस्था है इसमें ये होनी चाहिए उस सिस्टम में कि क्या वह जो व्यक्ति भेजा है वो सही है कि गलत है। जैसे कभी कभी आप लोगों को कॉल आती है मोबाइल पर, तो इंटरनेट से अगर आती है तो कई कुछ मोबाइल सिस्टम अच्छे आ गए हैं कि वो बता देते हैं कि ये फेक कॉल है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं बता पाते हैं। तो आज के सिस्टम में, आपके सिस्टम में ये ज़रूर होना चाहिए कि जो व्यक्ति है क्या वो सही है या गलत है, वो सिस्टम ही बता दे, ये सब व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल, जिन उपयोगकर्ता को जिन संसाधनों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हो केवल उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करें, इस बात की सुनिश्चितता को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। कह रहा है एक्सेस कंट्रोल क्या है, एक्सेस कंट्रोल वो चीज़ है जैसे कि मान लीजिए कि आपको जितनी परमिशन दी गई है आप केवल उतना ही यूज करें, इससे अधिक आप यूज न करें। मान लीजिए कि आपको लॉगिन दिया गया, आपने पता चला कि पूरे सिस्टम की एक एक चीज़ को एक्सेस कर लिया और उसमें फाइल डिलीट कर दिया, तो वो सिस्टम सही नहीं माना जाएगा। इस तरह की आप एग्जांपल अपने विंडोज़ में देख सकते हैं, जो यूजर अगर क्रिएट करते हैं और किसको लिमिट में अगर आप देते हैं परमिशन तो उतना ही वो यूज कर सकता है। अगला है कूटलेखन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कूटलेखन, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक पूरा विवरण है यहाँ तक दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से सुनिए। किसी सूचना को छिपाकर या गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक कूटलेखन कहा जाता है। मान लीजिए कोई सूचना है, आपने ईमेल भेजा या कुछ भी है, उसको गुप्त तरीके से लिखा जाए तो उसको हम कूटलेखन कहते हैं।
इसके माध्यम से इंटरनेट पर डेटा संचरण के दौरान डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम डेटा जो भेजते हैं, ईमेल होती हैं, वो लीक नहीं होता, वो सुरक्षित होता है। कूट लेखन में समानता प्रयुक्त होने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। अब जब क्रिप्टोग्राफी कूट लेखन में क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती हैं उसके बारे में दिया गया है। प्लेन टेक्स्ट, यह इनपुट के रूप में दिए जाने वाला ओरिजिनल संदेश होता है। कूट क्रिप्टोग्राफी में यह प्लेन टेक्स्ट जो आप लोग टाइप करते हैं या मैसेज भेजते हैं, ये उसका प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट मतलब ओरिजिनल आपका मैसेज होगा। दूसरा होगा साइफर, यह बिट बाइट बिट या कैरेक्टर बाई कैरेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जिसमें संदेश का अर्थ नहीं बदलता। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपने मैटर लिखा, तो उसमें क्या सिस्टम होना चाहिए कि एक एक कैरेक्टर का वैल्यू बदल जाए, जैसे ए की जगह बी हो जाए, सी की जगह डी हो जाए, लेकिन जब हम उसको फिर ओरिजिनल में कन्वर्ट करें तो उसकी संदेश का जो मतलब है वही निकलना चाहिए। ये नहीं कि क्रिप्टोग्राफी में चेंज हो गया और उसका अर्थ कुछ और निकलने लगा, ऐसा ना हो, वो सेम टू सेम एक एक कैरेक्टर चेंज कर देता है। साइफर टेक्स्ट, यह कोडेड संदेश या इनक्रिप्टेड डेटा होता है जो उपयोगकर्ता सीधे सीधे नहीं पढ़ सकता। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट में ये होता है कि जो डाटा हम भेजते हैं उसको कोई डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता, उसको इनक्रिप्टेड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, कोई मैसेज एक लाइन का भेजा तो उस मैसेज को डिकोड किया जाता है पहले, ठीक है, तो उस टाइप का ये उसमें टेक्निक्स होनी चाहिए। साइफर टेक्स्ट होती है, कोटेड संदेश जिसको कहते हैं हम लोग। अगला है इनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। इसके तहत इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। अब कह रहे हैं इनक्रिप्शन क्या है, मान लीजिए कि यही है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तन, इतना हमने एक टेक्स्ट ले लिया मैटर आपका, यहाँ से हमने जो है मान लीजिए हमने यहाँ से पूरा उठाया यहाँ तक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इनक्रिप्शन कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं ताकि कोई आसानी से पढ़ ना ले, इसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 1, 2, 3, 4 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, वैल्यू बदल जाएगी, और फिर 2 से भाग कर देंगे तो ओरिजिनल जो वैल्यू थी वही आ जाएगी। तो इस प्रकार की टेक्निक्स को हम इनक्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्शन, यह इनक्रिप्शन प्रक्रिया का रिवर्स होता है, इसमें साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। यह इनक्रिप्शन में क्या होता है कि इनक्रिप्शन में हम उसको किसी वैल्यू से गुणा कर कर चेंज कर देते हैं, और डिक्रिप्शन में हम उसको उससे भाग देकर ओरिजिनल रूप में ला लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी, संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। यह डेटा की गोपनीयता तथा एकीकरण मदद करता है। यह टेक्निक्स क्या है कि जो संदेश की जो छुपाने की कला है, इसको कह सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, क्या है, इसमें ये हेल्प करता है। एकीकरण, इंटीग्रिटी, यह सुनिश्चित करता है कि सूचना को किस अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार बदला तो नहीं गया कि उसे वैध उपयोगकर्ता भी न पहचान सके। एकीकरण कंप्यूटर सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। अब कह रहे हैं इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी यह निश्चित करता है कि मान लीजिए आपने डाटा भेज दिया किसी के दूसरे कंप्यूटर में और पता चला किसी तीसरे व्यक्ति ने उस डाटा को छेड़छाड़ कर दिया, तो इंटीग्रिटी उसकी जो होती है वो ये डिफाइन करती है कि जो मैंने डाटा भेजा है क्या वो ओरिजिनल वही है कि कहीं किसी ने तो उसको चेंज नहीं कर दिया, यही होती है इंटीग्रिटी। अब कह रहा है साइबर आक्रमण के स्रोत, सोर्स ऑफ साइबर अटैक्स। सोर्स ऑफ साइबर अटैक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि कहाँ कहाँ से घटनाएं होती हैं, कैसे कैसे ये क्रैक्स मतलब साइबर अटैक्स हो सकते हैं, हैकिंग हो सकती है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से सक्षम या भेद हमलावर वायरस प्रोग्राम है, यह जो है एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। कंप्यूटर ऑपरेशनों में भी हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के आक्रमण स्रोत हैं। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, कुछ नहीं होता, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वैसे एक छोटा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका काम क्या है, उसका काम है डाटा चुराना,
काम को रोकना, यही मानकर चलिए, ये दो काम उसके मुख्य रूप से समझ लीजिए, डाटा चुराएगा या काम को रोक देगा या आपके डाटा को करप्ट कर देगा। तो अगला हम साथ जानेंगे कि कैसे होता है डाउनलेबल प्रोग्राम्स। यहाँ पर लिखा है डाउनलेबल प्रोग्राम्स, वो चीज़ सॉफ्टवेयर आपके पास, वो वायरस जो है कैसे आ सकता है या अटैक कैसे हो सकता है उसको समझिए। पहला है डाउनलेबल प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को डाउनलोड करने पर। डाउनलेबल फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख और संभव स्रोत है। किसी प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे गेम्स, स्क्रीन सेवर आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउन करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक है। कह रहा है कि यदि कोई प्रोग्राम आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया तो सबसे आसानी से है कि आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा और डाटा आपको करप्ट कर सकता है, चुरा सकता है। इसलिए कोई भी गेम्स या स्क्रीन सेवर लोड करने से पहले उसको एक बार स्कैन जरूर करा लीजिए। दूसरा है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर वायरस अटैकों के अन्य स्रोत हैं। इस प्रकार के क्रैक सॉफ्टवेयर में वायरस बग्स के होने की संभावना अधिक होती है, जिन्हें ढूंढकर सिस्टम से दूर करना बेहद कठिन है। इसलिए इंटरनेट से सूचना को किसी भी विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करना चाहिए। कह रहा है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करते हैं, जो क्रैक वर्जन होते हैं, जिसका सीरियल पासवर्ड आपको देना नहीं होता है, पहले से पड़ा होता है, वो सबसे भी खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि उसमें हो सकता है कि वायरस उसमें डाल दिया गया हो, कोई उसमें बग हो, होल हो, और वो आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया और आपका डाटा चुरा ले गया, ये संभव है। इसलिए जब भी डाउनलोड करिए अच्छी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करिए। ईमेल अटैचमेंट्स, अक्सर ये घटनाएं होती हैं ईमेल अटैचमेंट्स। आप अपने ईमेल को चेक करिए, देखिए बहुत सारे ईमेल्स आई होंगे जिनका कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या है, अचानक आपको भर्ती आ जाएगी, अचानक पेमेंट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये सबसे आसान तरीका है हैंडल किया। ये अटैचमेंट वायरस के प्रमुख स्रोत होते हैं। इन ईमेल अटैचमेंट को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अगला है इंटरनेट। सभी कंप्यूटर के यूजर्स कंप्यूटर सिस्टमों पर वायरस अटैक संदिग्ध होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध क्लिक या डाउनलोड इत्यादि तत्व ही वायरस को के फैलने के बताए होते हैं। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते कि कौन सी चीज़ों पर हम क्लिक करेंगे और क्या चीज़ हमारे कंप्यूटर में लोड हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है वायरस को फैलने का। अगला है अज्ञात सिटी से बूटिंग कराना, बूटिंग फ्रॉम अनोन सिटी। जब भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा होता है उस समय कंप्यूटर में पड़ी सीडी को निकाल लेना ही ठीक माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर सीडी नहीं निकालते हैं तो स्वतः ही डिस्क में बूट होने लगती है, जिससे वायरस अटैक की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लीजिए कि आप कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, आपने सीडी लगा कर रखा हुआ है और जैसे ही कंप्यूटर को बूट करेंगे वो सीडी रन कर जाएगी, और रन कर जाएगी तो उस समय कोई भी सिस्टम में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा होगा, एंटीवायरस काम नहीं करता, उस समय वायरस अटैक होने के 100% चांस होते हैं। इसलिए जब भी वायरस इसको कंप्यूटर सिस्टम चालू करिए, सीडी को जरूर निकाल लीजिए। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।